क्लासिकल लीडरशिप स्टाइल्स में थर्ड टाइप लाइससै लीडरशिप स्टाइल है लाइस फैफ फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब नॉन इंटरफेरेंस है इन द अफेयर ऑफ अदर्स व्हेन यू आर नॉट एट ऑल इंटरफेयरिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल देन वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी सो लीडरशिप स्टाइल में ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जबकि आप अपनी टीम को या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं आपने एक विजन उनके साथ शेयर कर ली उसके बाद आप उन्हें कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं आप कंप्लीटली उन्हें फ्री हैंड देते हैं आ, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती वो ख़ुद अपने लिए अपनी डेडलाइंस को सेट करते हैं वो ख़ुद अपने लिए आ, अपना एक्शन प्लान बनाते हैं इस किस्म का एक स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने को मिलता है एक ब्राज़ीलियन मॉडल बहुत फेमस है जिसको के सेवन डेज वीकेंड का नाम दिया जाता है उसकी किताब उन्होंने लिखी है एक रिकार्डो सिमलर एक ब्राज़ील के एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने कि ये मॉडल को अपनाया है और उनका ये मॉडल पढ़ाया जाता है हार्वर्ड के स्कूल ऑफ बिजनेस में और बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें उन्होंने कम्प्लीटली अपनी टीम को ऐसा इन्वामेंट दिया है लेकिन इसमें सर्टन डूज एंड डोंट्स हैं ऑब्वियसली इट साउंडस गुड कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है आपको पता है कि आपने अपना काम करना है सो so, हम समझते हैं कि हम तो अपना काम करेंगे और ख़ुद से करेंगे तो बेहतर करेंगे और कितना ही अच्छा हो कि बॉस हमें कभी भी चेक नहीं कर रहा देर इज नो मॉनिटरिंग देर इज़ नो सॉर्ट ऑफ यू नो वो फियर नहीं है कम्प्लीटली फ्रीडम है सो so, हर कोई अपनी ओनरशिप उस काम के ज़्यादा लेगा और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा इट साउंडस रियली गुड टू आइडियल टू बी ट्रू दो बट इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि अगर आप अपने जहन में रखेंगे एज ए लीडर और एज अ मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस सो ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो नहीं है तो ये मॉडल के बहुत सारे इसमें लूप होल्स भी आ सकते हैं आपके वर्किंग में और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है नंबर वन पे फैक्टर तो ये है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ या आपके टीम मेंबर्स आपके इंस्टीट्यूशन में आ वो कोई भी है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं या एनी अदर बिजनेस सो उसमें आपके एम्प्लॉयज़ किस कदर केपेबल हैं कितना उनमें क्रिएटिव क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है इनोवेशन कितनी ज्यादा है उनमें खुद अपने काम को लीड करने की सलाहियत कितनी है तो गोया हर किसी का लीडरशिप लेवल कितना है ऑफ द टीम हु वर्किंग विद यू फॉर दिस पर्टिकुलर यू नो टास्क तो इसमें आपके पास अगर केपेबल लोग हैं जो कि बहुत क्रिएटिव है और में सब सिलाहितें मौजूद हैं तो तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है नंबर टू ये है कि आपको अपने लोगों के लिए और लोगों के दरम्या में आपके बारे में मुकम्मल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप उनको ये यकीन होना चाहिए कि आप उनके साथ कंप्लीटली ट्रुथफुल हैं ऑनेस्ट हैं लॉयल हैं और ट्रस्ट वर्दी हैं एंड यू आर देयर फॉर देम इफ दे नीड यू एज अ पेट्रोनाइजर एज समबडी रियली रियली लीडर एंड इफेक्टिव लीडर एंड यू ऑल्सो नो कि आपकी टीम इतनी ट्रस्ट वर्दी है इतनी ऑनेस्ट है कि अगर आप उनको फ्री हैंड दे रहे हैं तो वो कभी आपको डिसीव नहीं करेंगे कभी आपको धोखा नहीं देंगे या कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा लेंगे जो कि पॉलिसी से डिविएट कर रहा है so although there is no monitoring but there is this peer pressure there is this personal commitment so that level has to be very high agar style ko apnana hai it can be very useful in the business where creative ideas are important because you are giving free hand to the people so they can bring in their own thoughts they can bring in their own ideas into the business life business world and system world of your organization so you will find creativity at its best तो लेकिन क्रिएटिविटी का बेस्ट होने के लिए जरूरी है कि टीम में क्रिएटिविटी करने की सलाहियत मौजूद हो दे शुड बी इनोवेटिव इट हैविली रिलाइज ऑन गुड टीम मेंबर्स एंड गुड टीम वर्क नॉट ओनली द मेम्बर्स बट द गुड टीम वर्क सो दे शुड बी जेलिंग इन टूगेदर एज अ टीम सो उनमें टीम वर्क होगा जैसे रेलवे रेस में जीतने के लिए टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में किसी भी स्पोर्ट में इसी तरह इस मॉडल में भी टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है गुड इंटरपर्सनल जब टीम की बात आती है और टीम वर्क की बात आती है तो फिर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होना भी ज़रूरी है टीम में ये नहीं कि आपने लीडरशिप के तौर पे पीछे हट गए और कोई और बहुत स्ट्रांग बॉस बन के उस टीम को बॉस करना शुरू कर दिया तो मेंबर्स विल बी इन प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस इट कैन इट विल नॉट बी अ गुड मॉडल अगर आपके मेंबर्स में नॉलेज नहीं है दे लैक नॉलेज और एक्सपीरियंस और अगर कुछ लोगों में ट्रस्ट एफिशेंसी है तो भी अच्छा मॉडल नहीं होगा और यह भी एक क्वेश्चनेबल बात है कि क्या हर टीम मेंबर इस सलाहियत पर एक सा होता है कि वो अपनी डेडलाइंस को खुद एस्टेबलिश कर ले अपने लिए खुद एक्शन प्लान बना ले या नहीं अगर ऐसा नहीं है तो ख़तरा यह है कि आपका प्रोजेक्ट ऑफ ट्रैक हो जाएगा सारी डेडलाइंस मिस हो जाएंगी या एक गलत डायरेक्शन में चले जाएगा और जिसके लिए एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल